अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई रूटीन ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है ये, प्लीज़ पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और आज मैं जिनके बारे में आज आप लोगों से बातें करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही आज मतलब ख़ास पर्सन है। और आजकल ना यूट्यूब पे मतलब पूरे सोशल मीडिया पे मतलब और दुनिया के अंदर मतलब हर बंदे की ज़बान पे उनका नाम छाया हुआ है। और आज बस हम उसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ख़ास इंसान है। इस वक्त वो हम सब के लिए एक मतलब एक उदाहरण बने हुए हैं, प्रेरणा बने हुए हैं कि आज के टाइम में भी क्या ऐसे लोग होते हैं। तो जी हाँ, उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ करने की जो इच्छा रखते हैं ना, मतलब जो ठान लेना कि नहीं मुझे ये करना है और मेरा रब जिसको इस चीज़ से नवाज देना, इस दौलत से नवाज दे कि वो जिसको चाहे मतलब इज्जत बख्श दे। तो बस ऐसे ही एक आजकल बहुत मतलब सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया पे जो बाहर की जो हमारी कंट्रीज़ है, हर कंट्रीज़ की ज़बान पर उनका नाम है। तो मैं यहाँ आज बात करने वाली हूँ शयाब चतुर के बारे में। तो शयाब भाई जो है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहतमंद वाली लंबी ज़िंदगी दे। और मैं आप मतलब जिस चैनल पे भी आपकी वीडियोस दिखाई जाती है ना, मैं उस चैनल पे सारी मतलब आपके बारे में नॉलेज जो भी है, मतलब सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हौसला अफजाई हम भी आपके लिए करें। और दुआ तो हम सब आपके लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द अपने घर बुला ले और आपका जो सफ़र है ना, वो उस सफ़र को इतना आसान बना दे कि उसमें जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उस सफ़र में, अल्लाह ताला उस सफ़र को इतना आसान बना दे कि आप बहुत जल्द मक्का मौजमा पहुँच जाएँ, मदीना पहुँच जाएँ और मेरे रब की ज़ियारत कर लें। इससे मतलब बढ़ के और कोई बात हो ही नहीं सकती जब इन चीज़ों को हम मतलब सोचते हैं ना, तो सच में रोंगटा खड़ा होने लगता है कि आज के टाइम में भी क्या ऐसे लोग हैं। तो शयाब भाई ने ये चीज़ साबित कर दी है कि जी हाँ, टाइम चाहे कोई भी हो, इंसान नेक होना चाहिए। और बोलते हैं ना कि नेक नियत मंजिल आसान, तो मेरे भाई आपने नेक नियत से आपने कदम बढ़ाया, इंशाल्लाह आपकी मंजिल ज़रूर आसान होगी, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैं बस यहाँ आप लोगों से छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि वो जिस भी मुल्क से निकल रहे हैं या जिस भी शहर से वो निकल रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरा भी दिल करता है कि काश मैं उनसे मिल पाती, लेकिन मिलना तो ठीक है, बहुत नसीबों की बात है कि हम उनसे मिल पाते या जो लोग मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों से जो उनको देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, जिस भी कंट्री से या शहर से वो निकल रहे हैं, सिटी से, मैं उन लोगों से बस छोटी सी अपील करना चाहूँगी कि जो लोग मतलब उनके सफ़र को मुश्किल बना रहे हैं या उनको रोक रोक करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या वीडियो बनवा रहे हैं, प्लीज़ मेरे बहन भाई आप लोगों से मेरी अपील है कि उनका जो सफ़र है उसको मुश्किल मत बनाइए। उनके पास बहुत कम समय है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है उनको इस सफ़र पे निकले हुए, और 8600 किलोमीटर उनको सफ़र तय करना है, जो कि बहुत ही कम समय में उनको वो सफ़र तय करना है। और 1600 कुछ मतलब किलोमीटर वो चल चुके हैं, तो बहुत लंबा अभी उनको जाना है। तो प्लीज़ उनके मतलब मंजिल पे रुकावट मत बनिए, ऐसा मत करिए। अगर वीडियो बनानी है, फ़ोटो बनाने हैं, तो आप दूर से भी ले सकते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा मत कीजिए। मेरी आप लोगों से बस छोटी सी ये अपील है, और मैं हर घर में आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मेरे शायब भाई के लिए प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह ताला उनको उनकी मंजिल तक जल्दी पहुँचा दे। और मतलब हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मतलब कि आज के दौर में भी कोई बंदा पैदल चल के मतलब सऊदी अरब जा सकता है।
तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और हमारे साया भाई का जो हौसला है वो अल्लाह पाक बुलंद रखे और उनको अपने जल्द से जल्द अपने शहर बुला ले और उनको मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए, मक्के की ज़ियारत नसीब हो जाए। और हम सब उनके लिए दुआ करें, आप सब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान बना दे, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बस छोटी सी वीडियो थी उनके हौसला अफजाई में, बस आप लोगों से मुझे यही बोलना था, प्लीज़ उनके सफ़र को मुश्किल मत बनाइए और उनके लिए बस दुआ कीजिए। अपनी फैमिली से वो 1 साल तक दूर रहने वाले हैं और पैदल जाना, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी आएंगी जो उनको फेस करनी पड़ेंगी। बस अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मंजिल को आसान बना दे। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और साया भाई के लिए प्लीज़ दुआ करें कि उनकी, अल्लाह ताला उनकी मंजिल को आसान बना दे। बस मेरे लिए आज ये छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी मेरी वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, इसमें ज़रा सी भी कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो के लिए करके चाहिएगा, साया भाई के लिए एक लाइक ज़रूर करके चाहिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलो मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।